मैं एजुकेटर सनी सिंह आज आप लोगों को बेसिक पढ़ाऊंगा। जैसा कि मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो है मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो उसका नाम एनसीईआरटी यूपीएससी एनसीईआरटी है, तो मतलब मैं यूपीएससी से रिलेटेड जितनी एनसीईआरटी है उनका बेसिक पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज मैं ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट करूंगा और ज्योग्राफी को कक्षा क्लास 7 से स्टार्ट करूंगा, 6 से नहीं करूंगा क्योंकि 6 में बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसको मैं, अगर आप लोग चाहें तो अपने से पढ़ सकते हैं और नहीं तो मैं बता दूंगा उसको एक दो लेक्चर में, ठीक है। तो आज मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगा और क्लास 7 की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर जो है थोड़ा सिंपल है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चैप्टर 2 से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। क्लास 7 का एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, 8th का पढ़ाऊंगा, 9th पढ़ाऊंगा, 10th, 11th और 12th, ठीक है। इतनी एनसीईआरटी में ज्योग्राफी का पहले पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जो भी मेरी जो क्लास है वो लक्ष्मीकांत वाली, वो एज यूजुअल आपको डेली एक एक लेक्चर मिलता रहेगा। तो आइए मैं आपको आराम से बताऊंगा, आप आराम से इसको पढ़िए, ठीक। और मैं चाहता तो आपको पीडीएफ फॉर्म में स्क्रीन पे ही बता देता लेकिन इतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा और हम बता भी नहीं पाएंगे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं, ठीक। देखिए क्लास 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम, ठीक है। हमारी उस एनसीईआरटी का नाम है हमारा पर्यावरण और चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का नाम है हमारे पृथ्वी के भीतर, मतलब हमारे पृथ्वी अर्थ के अंदर क्या क्या कैसी बनावट है ये हम लोग देखेंगे। तो ये देखेंगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या क्या कैसी क्या ऐसी बनावट है पृथ्वी के आंतरिक भाग का हम लोग पूरा जो है आज अवलोकन करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये पूरा, जैसे आप एक कर लीजिए एक स्फीयर में जो है, जैसे आप वाटरमेलन खाते हैं, वाटरमेलन में कोई काट के सेंटर से निकाल ले तो ये पूरा पृथ्वी का ये सेंटर है, ठीक है। यहाँ सेंटर से ये पृथ्वी की पूरी त्रिज्या है 6370 किलोमीटर, याद रखिएगा 6400 किलोमीटर नहीं है। जब भी कोई लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के पढ़ते समय सब लोग 6400 किलोमीटर लिख देते हैं क्योंकि कैलकुलेशन की प्रॉब्लम होती है, लेकिन एक्चुअल में पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है, ठीक। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग ऊपरी भाग को जरा देखिएगा, ये वाला पार्ट, ये जो भी है, ठीक है, इसी को कहते हैं भूपरपटी। भूपरपटी मतलब भूमि की परपटी ऊपर की, जैसे आप जैसे इंसान होता है, इंसान के ऊपर का चमड़ा होता है, ठीक है, तो वो पृथ्वी के ऊपर का चमड़ा है, चमड़ा आप कह सकते हैं इसको भूपरपटी बोलते हैं, ठीक है। भूपरपटी में मैंने आपको ये दिखाने को इसके इसी भूपरपटी के ऊपर देखिए ये सब थोड़ा सा पहाड़ होता है, ठीक, पेड़ पौधे सब थोड़ा सा बनाने को इसके हमें, ठीक है। ये भूपरपटी होती है, पहला जो पृथ्वी की आंतरिक बनावट में है पहला भूपरपटी, दूसरा होता है मेंटल, ये इतना बड़ा भाग देखिए मेंटल है जी, ये मेंटल, और ये होता है ये, ठीक है, ये होता है क्रोड, ये है क्रोड, ये है मेंटल और ये है भूपरपटी। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे अंदर जाने पे किस तरह से जो है पृथ्वी की आंतरिक बनावट में बदलाव होता है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी की जो भूपरपटी होती है ये मात्र पृथ्वी के आयतन का 1% होती है, मतलब नेचुरल सी बात है, आदमी का कितना वजन होता है और उसके चमड़े का अगर आप चमड़ा का निकाल लो तो कितना होगा, पूरी पृथ्वी का वेट पूरा बॉडी के वेट से कितना होगा, 1-2% होगा। तो उसी तरह ये पृथ्वी का स्किन है, उसका एक इसको स्किन कह सकते हैं, चमड़ा कह सकते हैं, ये पूरी पृथ्वी के आयतन का मात्र 1% होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है इस भूपरपटी में, ये देखिए मैंने एक स्फीयर बना के एक चीज बताने की कोशिश किया हूं, आप इसको याद करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, स्टेट पब्लिक कमीशन में, सब जगह पूछता है कि इस स्किन में 3 तत्व पाए जाते हैं, इस होता है ना हमारा चमड़ा है तो चमड़ा आप निकालोगे तो उसमें कुछ किसी मिनरल से मिलकर बना रहता है। अब ये मिनरल है, देखिए ये है स्किन, तो इस पे पहाड़ भी है, ठीक है। तो ये 3 चीजों से मिलकर बना रहता है, पहला ऑक्सीजन, दूसरा एल्युमिनियम और तीसरा सिलिकॉन। मैं पूरा लिखने की कोशिश नहीं किया हूं, सिंबल लिख दिया हूं बस, आप लोग याद रखिएगा। पहला ऑक्सीजन, भूपरपटी में 3 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, इसके बाद सेकंड पे पाया जाता है सिलिकॉन 27.73%, और इसके बाद पाया जाता है एल्युमिनियम 8.13%। तो भूपरपटी में, पृथ्वी की भूपरपटी में 3 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन,
सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, ये मैं आपको बताने को इसके हम पेड़ पौधे बना के, ठीक। अब देखिए ये है मेंटल, ये है भूपरपटी, भूपरपटी मेंटल और कोर। तो भूपरपटी और मेंटल के बीच में एक डिसकॉन्टिन्यूटी होती है, असंबद्धता, मतलब जब भी आप भूपरपटी पृथ्वी के अंदर जाएंगे और जहां भूपरपटी खत्म होगी और मेंटल स्टार्ट होगा तो वहां पे कुछ जगह होगी, कुछ अनियमितता होगी, उस अनियमितता को कहते हैं मोह असंबद्धता, उसका नाम ही है मोह असंबद्धता, ठीक है। ये भूपरपटी और मेंटल, मतलब भूपरपटी और मेंटल के बीच में देखिए ये जब पृथ्वी के अंदर जाएंगे आप तो ये है मोह असंबद्धता, असंबद्धता, ठीक है। मैं आपको बता दूं ये मोह असंबद्धता एक्चुअल में द्रव पदार्थ होता है, ठीक है, और पूरी भूपरपटी इसी पे प्ले करती है। प्ले क्या करती है, इसे आप जब पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स उसमें आप ये पाएंगे कि ये भूपरपटी कई प्लेटों में बटी हुई है और ये इधर उधर मोशन करती है, इधर उधर मोशन करती है, तो यहाँ एक लिक्विड भरा होता है, ये लिक्विड होता ही है। लिक्विड क्यों होता है मैं उसको आपको बताऊंगा, आप अभी सब जानने को मत करिए, बस ये समझिए कि मोह असंबद्धता जो भूपरपटी और मेंटल के बीच में होती है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, और यही इस लिक्विड अवस्था को स्थेनोस्फीयर कहते हैं, ठीक। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भूपरपटी और मेंटल के बीच क्या पाया जाता है, मान लीजिए मोह असंबद्धता हटा के स्थेनोस्फीयर लिख दिया तो स्थेनोस्फीयर इसको कहते हैं, और ये स्थेनोस्फीयर लावा का प्रमुख केंद्र होता है, लावा इसी के बीच में बनता है और जब भूकंप आता है तो ये सड़क से बाहर निकल जाता है, ठीक है, तेजी के साथ ये बाहर निकल जाता है, और यही भूकंप का केंद्र भी होता है, ठीक। मतलब पूरा जो है भूपरपटी की प्लेटें उसी पे प्ले करती हैं और यही लावा का केंद्र होता है, और जब भूकंप आता है तो यहां से सड़क से लावा बाहर निकल जाता है। तो ये मोह असंबद्धता भूपरपटी और मेंटल के बीच में होता है, भूपरपटी और मेंटल के बीच में होता है, ये द्रवावस्था में होता है, इसी को स्थेनोस्फीयर कहते हैं, और ये लावा से भरा होता है और भूकंप का केंद्र होता है, ठीक है। मैं आपको पहले मोटा मोटा बताता हूँ, ठीक। देखिए मेंटल और भूपरपटी के बीच में मोह असंबद्धता, क्रोड और मेंटल के बीच में गुटनबर्ग सीमा, ठीक है। पहले मैं आपको मेन बताता हूं, क्रोड और मेंटल के बीच में गुटनबर्ग सीमा। क्वेश्चन पूछ सकता है कभी कभी कि क्रोड और मेंटल के बीच में क्या पाया जाता है, ठीक। ये मेंटल और क्रोड के बीच में पाया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पाया जाता है। मेंटल है, तो मेंटल है तो मान लो ये ऊपरी मेंटल हो गया, नीचे ही मेंटल हो गया, डॉटेड लाइन से दिखाया मैंने, ठीक। तो ये ऊपरी मेंटल है, ये निचली मेंटल, मतलब घर के अंदर आप जैसे होता है ना, एक मेंटल ऊपरी वाला मेंटल, ये निचली मेंटल, तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच भी एक सीमा होती है, इसको रैप की सीमा कहते हैं, ठीक। तो ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रैप की सीमा, मेंटल और क्रोड के बीच में गुटनबर्ग सीमा, ठीक। जैसे ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच में रैपिडी सीमा, उसी तरह आउटर कोर और इनर कोर के बीच में लेहमन सीमा, ठीक है। आप इसको भूलिएगा, बस इतना समझिए कि जैसे मेंटल है तो मेंटल के जो ऊपर वाला भाग है ऊपरी है, नीचे वाला भाग निचली, क्रोड है क्रोड के बाहरी वाला भाग आउटर है, अंदर वाला भाग भीतरी है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लेहमन सीमा, इन दोनों के बीच में रैपिडी सीमा, मेंटल ऊपरी मेंटल निचली मेंटल के बीच में रैपिडी सीमा, आउटर कोर इनर कोर के बीच में लेहमन सीमा, और मेंटल और कोर के बीच में गुटनबर्ग सीमा, ठीक है। और भूपरपटी और मेंटल के बीच में मोह असंबद्धता, ये चार टॉपिक आप याद रखेंगे, आप समझ लीजिए अच्छे से न्यूमेरिकल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इनर पृथ्वी के इनर इंटीरियर डिजाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आंतरिक भाग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं बता रहा था आपको कि भूपरपटी पृथ्वी के आयतन का 1% होता है, इसी तरह ये है, ये है मेंटल, मेंटल 2900 किलोमीटर तक होता है, याद रखिएगा भूपरपटी से 2900 किलोमीटर तक मेंटल पाया जाता है, और ये पृथ्वी के आयतन का सर्वाधिक भाग यही होता है, 84% ये आयतन होता है पूरे पृथ्वी का, मतलब 100% आयतन है तो 84% ये होगा मेंटल, 1% इसकी चमड़ी होगी, ठीक है, 84% ये होगा, और आउटर और इनर कोर इसका आयतन 15% होगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि आउटर कोर जो होता है ये होता है द्रव फॉर्म में,
और इनर कोर होता है ठोस कोर। अब आप कहेंगे कि पृथ्वी के अंदर जाने से टेम्परेचर बढ़ता है, तो और अंदर जाने से टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको लिक्विड होना चाहिए, इसको द्रव होना चाहिए, इसको लिक्विड होना चाहिए, इसको ठोस होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। मैं बताता हूं क्यों। ये द्रव होता है, ठीक है, और ये ठोस इसलिए होता है कि ये एक्चुअल में जो है बहुत ताप और दाब पे काम करता है, बहुत ज्यादा ताप पे, दाब पे, ठीक है। इस वजह से इस ताप और दाब के कारण, ठीक, ये दो तत्वों से मिलकर बना रहता है नीफे से, ठीक, निकिल और आयरन। और निकिल और आयरन आप जानते हैं कि ये जब ज्यादा ताप और दाब इसको हीट कर देंगे, ठीक है, तो वो लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता, वो ठोस हो जाता है। बहुत ज्यादा दाब होने के कारण इस भीतरी क्रोड का आयतन बहुत सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और नीफे का बना होता है, निकिल और आयरन, ठीक ठीक, ये निकिल और आयरन हो गया, 15% हो गया, ठीक। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, ये मैंने बताया कोशिश किया हूं, ये इससे यहां से, ठीक है, ये मान लीजिए पृथ्वी की स्किन है, ठीक, स्किन, ठीक है, तो ये मान लीजिए ये पहाड़ है और ये पानी भरा है समुद्र। क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि समुद्र के नीचे के तलहटी की ये जो यहाँ पे जो पड़ा है मतलब मिट्टी या ये कर लीजिए आप स्किन, ये नहीं है कि ये नहीं है, देखिए नहीं ये होगी। कारण क्या है मैं बताता हूँ आपको, ये जो ये पर्वत है ये सियाल का बना होता है, ये भूपर्पटी में जो पर्वत मैंने दिखाया है सियाल का बना होता है, सिलिकम एल एल्यूमिनियम, ठीक, ये सियाल का बना होता है और ये सीमा का बना होता है, सिलिकन और मैग्नीशियम, सिलिकन और मैग्नीशियम, और ये बना रहता है सिलिकन और एल्यूमिनियम, ठीक है। होता क्या है मैं आपको बता दूं कि भूपर्पटी यहाँ कमजोर होती है, देखिए यहाँ पे इतना हुआ है और इतना यहाँ पे इतना, तो जब मैग्मा बाहर निकलता है, जब भूकंप आता है मैग्मा निकलता है, तो इसको तोड़ने के बजाय, भाई इसको तोड़ने के लिए जा सकती चाहिए क्योंकि इतना तोड़ना है इसको, और इसको तोड़ने के बजाय यहां तोड़ता है जब भूकंप, तो यहां से लावा निकल के किनारे 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 इसकी तलहटी में जमा होने लगता है। इसकी वजह से इसकी जो जो इसकी चट्टाने होती हैं तलहटी समुद्र के अंदर, ये नई होती है, ये क्या होती है, ये न्यू होती है। आप सब जानते हैं कि इसके अंदर भूकंप आया और सुनामी आता है, और इसके पर्वत के अंदर भूकंप आता है इसको तोड़ पाता नहीं है तो भूकंप, क्योंकि मैग्मा निकल पाता नहीं तो वो पर्वत को हिला देता है, ठीक, और यहां पे जब निकलता है तो धराम से बाहर निकलेगा तो ये पानी को बाहर छिड़कता है और इस वजह से सुनामी तटों के पास सुनामी आती है। तो क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि ये समुद्र की तलहटियां होती है ये न्यू चट्टानों की बनी रहती है एज कंपेयर टू पर्वत की चट्टाने, पर्वत की चट्टाने पुरानी होती क्योंकि ये ब्रेक नहीं होती, ठीक है। अब देखिए इसी का इसी हमारे पृथ्वी के अंदर चैप्टर दो में अभी जो अगला पार्ट है वो चट्टानों से है, कितने तरह की चट्टानें होती हैं, इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, ये मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, और इसको मिटा के मैं फिर से उसको बनाऊंगा तो बताऊंगा, ठीक है। जो है हम पढ़ेंगे, बता रहे थे आपको हम किसी और पार्ट में, बताया थे कि अर्थ के इंटीरियर डिजाइन जो बताए थे पृथ्वी के आंतरिक भागों का, इसी में चैप्टर दो में ही हमारे पृथ्वी के अंदर में दूसरा टॉपिक है भूपर्पटी, ठीक है, भूपर्पटी मतलब किन किन चट्टानों से बनी रहती है, तीन तरह की चट्टाने होती हैं, ठीक है, आग्नेयसैल, अवसादी सैल और कैंटरिक सैल, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। ये आप फिगर को देखिए, ठीक, फिगर में मैं आपको बता दूं ये जो पार्ट है जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसके अंदर हो मतलब ये पूरा डिजाइन है, ये मान लीजिए क्रस्ट है, ठीक, ये क्रस्ट है और क्रस्ट के इनर भाग में ये मेंटल है। तो मान लीजिए जब कोई भूकंप आता है, जब कोई लावा, मैंने बताया था ना कि मेंटल और भूपर्पटी के बीच में मोहो असंबद्धता होती है जिसमें लावा का केंद्र होता है, तो जब ये लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से तो इधर ही जाएगा, इधर ही जाएगा, तो ये जब निकल जाता है ये बाहर निकलेगा, ठीक है, ये बाहर निकल गया, तो ये जो लावा बाहर निकल जाता है इसी को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं, क्योंकि बाहर निकल जाएगा ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद उस चट्टान को बेसाल्ट चट्टान कहते हैं। तो ये बेसाल्ट चट्टान ही आग्नेयसैल कहलाती है। आग्नेयसैल का मतलब होता है फ्रेंच भाषा में, आग्नेयसैल का मतलब होता है अग्नि, ठीक, तो वो लावा जो अपनी पृथ्वी के अंदर से निकल के बाहर फैल जाता है उसको कहते हैं बेसाल्ट चट्टान, ठीक।
तो आग्नेयशील विशाल चट्टानिक आग्नेयशील है। ठीक है, देखिए आग्नेयशील की दो विशेष दो भाग होते हैं, एक होता है बहिर्भेदी शील, एक होता है अंतर्भेदी शील। ठीक, बहिर्भेदी शील मतलब वो लावा जो पृथ्वी के बाहर निकलती है, बाहर भेद दे, बहिर्भेदी। ठीक, उसको कहते हैं विशाल चट्टान। विशाल चट्टान पूरा दक्कन का पठार, साउथ का, दक्षिणी भारत का जितना पठार है वो बेसाल्ट लावा से बना हुआ है। ठीक, वो एक बहिर्भेदी शील है, ठीक, बाहर निकल गया लावा। लेकिन मान लीजिए लावा यहां से निकल रहा हो, ठीक, और यहां आके फंस जाए, ठीक, यहां फंस जाए और यही ट्रैप हो जाए, फंस जाए, ठीक, तो ये लावा कहलाता है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट एक अंतर्भेदी शिल का उदाहरण है, ठीक, और ये आग्नेय चट्टान ही है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, उसको कभी अवसादी चट्टान मत बोलिएगा। ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान है, तो अंतर्भेदी शिल आग्नेय से, आग्नेय चट्टान में अंतर्भेदी शिल ग्रेनाइट होता है और बहिर्भेदी शिल बेसाल्ट होता है। अब होता क्या है, मान लीजिए जो ट्रैप हो गया लावा, ये ग्रेनाइट, ये मैंने एरो बनाया दिखाया है, ये कुछ समय तक टूट के ताप और दाब पाके ब्रेक हो जाए, काफी समय बीत जाए, तो जब ब्रेक हो जाएगा तो यही कहलाता है अवसादी चट्टान। ग्रेनाइट अवसादी चट्टान नहीं कहता है, वो बहुत दिन तक वहीं में दबा रहे, ताप और टेम्परेचर पाके टूट जाए, टूट के अपना रूप बदल ले, तो उसको कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक या अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान का सबसे अच्छा उदाहरण है बलुआ पत्थर, और बलुआ पत्थर का मैं सबसे अच्छा आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि लाल बलुआ पत्थर से लाल दिल्ली के लाल किले का निर्माण हुआ। तो क्वेश्चन पूछे कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण किस चट्टान से हुआ है, तो वो औसादी चट्टान से हुआ है, या चट्टान का नाम पूछ दे तो लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, अब क्या होता है, अब मान लीजिए ये टूट के टूट फूट के आपको बलुआ पत्थर बन गया, अब ये औसादी चट्टान होता क्या है। देखिए भाई, देखिए इस औसादी चट्टान के जो काफी समय तक दबा रहता है, इसमें जीव भी दबे रहते हैं, जानवर भी दबे रहते हैं। मान लीजिए पृथ्वी भूकंप आया और क्रस्ट पलट गई, तो क्रस्ट जब पलट जाएगी तो ये ऊपर के यहाँ पे जीव जंतु ये सब लोग हैं, यहाँ दब जाएंगे। जब ये दब जाएंगे इस, तो ये इसमें जीव भी दबे रहते हैं, जानवर, पौधे, सूक्ष्म जीव सब लोग दबे रहते हैं। तो पृथ्वी के दाब के कारण, पृथ्वी का प्रेशर बना के रखती है उस चट्टान पे, ये पिस जाते हैं, और पिस जाते हैं तो यहीं पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। ये पेट्रोलियम के भंडार और कुछ नहीं होते हैं, इसी जीव जानवर और पौधों की ही पृथ्वी के दाब के कारण, पिसने के कारण ये यहाँ पे एकत्रित हो जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा पेट्रोलियम का भंडार किस चट्टान में पाया जाता है, तो औसादी चट्टान में पाया जाता है। ठीक, अब तीसरा टॉपिक है कायंतरी चट्टान। कायंतरी चट्टान कुछ होती नहीं है, यही आग्नेय चट्टान और औसादी चट्टान, जो पहली चट्टान है और दूसरी चट्टान है। जब ये बहुत दिन तक उच्च ताप और दाब पर बहुत समय तक जो है दबे रहते हैं, ठीक, तो इसके कारण वो अपनी काया बदल लेती है। नाम सोचिएगा कायांतरिक चट्टान, मतलब जब दो ये चट्टाने बहुत समय तक ताप दाब से, कई मिलियन सालों तक ताप दाब से दबी रहे, तो इसको कहते हैं कायांतरिक चट्टान, काया अपनी इसमें बदल ली। ठीक, तो जब यदि काया बदल लेती है, अपना रूप बदल लेती है, तो इसको कायांतरिक चट्टान कहते हैं। ठीक, तो मान लीजिए क्ले है, क्ले एक अवसादी चट्टान का उदाहरण है, ये बहुत दिनों तक दबा रहे तो ये बन जाता है स्लेट, तो स्लेट एक कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है। चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, ये आपके सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, ये बन गया मार्बल, मार्बल एक कायांतरिक चट्टान का उदाहरण है, और मार्बल आप सब जानते हैं कि ताजमहल कायांतरिक चट्टान का बनाया हुआ एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछे कि लाल किला किससे बना है, अवसादी चट्टान से, और ताजमहल किससे बना है, वो मार्बल से बना है, और वो एक कायांतरिक चट्टान होती है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, पेट्रोलियम के भंडार इसमें पाए जाते हैं अवसादी चट्टानों में, लेकिन कोयले का भंडार, ठीक है, जैसे एंथ्रासाइट कोयला, ठीक है, बिटुमिनस कोयला, ये कायंतरिक चट्टान होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए तेल के भंडार, जानवर दब जाते हैं तो उनके जो भी
केमिकल होते हैं वो इकट्ठा होकर पेट्रोलियम भंडा बनाते हैं, लेकिन यही जानवर और जीव जब बहुत लंबे समय तक दबे रहते हैं, बहुत लंबे समय तक दबे ताप दाब के कारण जब अपनी काया बदल लेते हैं, अपना रूप बदल लेते हैं, तो हो जाते हैं कोयला। जो कोयला होते हैं तो वही कोयला होता है बिटुमिनस कोयला, और जब और समय तक दबे रहता है वो बिटुमिनस कोयला, तो वो बन जाता है एंथ्रासाइट कोयला। तो याद रखिएगा पेट्रोलियम अवसादी चट्टान है और कोयला एक कायाधारी चट्टान है। बस हमारे चैप्टर दो में इतना ही दिया था, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चैप्टर 3 जो है मैं जल्दी ही आप लोगों को अपलोड करूँगा।